Question number 4. Find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जिसको हम इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमारा नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो और हमें उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है. सो हमारा पार्ट फर्स्ट है 402. सो हम सबसे पहले 402 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं. पेयर बना लीजिए आप 1, 2. सो हमारी फर्स्ट डिजिट क्या है 4 और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का. सो 2, 2 तो आ जाएगा 4. 4 में से 4 को डिडक्ट करेंगे तो बचेगा 0. अब हम सेकंड वाले पेयर को नीचे ले आते हैं 0, 2. 2 में हमें 2 को ऐड करना है. सो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4. नाउ यहाँ पे हमारी डिजिट क्या आई है 0, 0, 2. तो अब 0, 0, 2 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता सो हमें यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा 0 और ऊपर भी 0. सो 40 × 0 क्या होगा 0. और इसको हम डिडक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2. तो 2 जो होगा वो हमारा क्या होगा रिमाइंडर. अगर हम इस रिमाइंडर को नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो हमारा स्क्वायर रूट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा. सो हम 402 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 400. और 400 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका 20 का. क्वेश्चन में कहा गया था जो ये हमारा नंबर बचा है फिर इसका हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट. सो देखिए इसमें भी सबसे पहले हमें क्या पुट करना है 12 पुट करना है. सो 2 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का. सो पुट द वैल्यू 2 हियर. सो 2 × 2 कितना आ जाएगा 4. 4 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 0. सेकंड वाला पेयर हम नीचे ले आते हैं दैट इज 0, 0. और यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है 2. और 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4. हमें क्या चाहिए लास्ट डिजिट क्या है हमारी 0. सो हम जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 0 आएगा तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं और यहाँ पे भी. सो 40 × 0 कितना होगा 0. और 0 में से अगर हम 0 को डिडक्ट कर दें तो हमारा आंसर आएगा 0. सो 400 किसका स्क्वायर रूट है 20 का. नाउ कमिंग टू पार्ट सेकेंड दैट इज 1989. नाउ आपको यहां पे भी सेम मेथड फॉलो करना है. सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है 12 पुट्स करने हैं. हमारा फर्स्ट पेयर क्या है 19. हमें ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है जो 19 से कम हो या 19 के इक्वल हो. तो अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 16 और 5 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 25. सो 25 तो ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम इसको नहीं लेंगे. हम किसको लेंगे 4 के स्क्वायर को. सो पुट द वैल्यू 4 हेयर और 4 का कितना होगा 16. नाउ अब आप इसको इसमें से डिडक्ट कर लीजिए 9 में से 6 जाएंगे 3 और 1 में से 1 जाएगा 0. सेकेंड पेयर को नीचे ले आइए दैट इज 89. और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या करना है 4 में 4 को ऐड करना है. सो 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8. नाउ अब आप इसकी लास्ट डिजिट देखिए लास्ट डिजिट क्या है 9. और 9 किस किस के लास्ट में आती है
या तो 3 के स्क्वायर के लास्ट में आता है 9, या फिर 7 के स्क्वायर के लास्ट में। तो हम पहले 3 पुट कर लेते हैं, सो 83 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 3 3 9, 3 8 24, 249। फिर हम 87 इंटू 7 करके देखते हैं, सो 7 7 49, 7 8 56, 56 ऑफ 4 60। ये वाली बहुत ज्यादा हो गई और ये वाली बहुत कम है, सो अब हम 84 इंटू 4 करके देखते हैं क्योंकि हमें इससे कम डिजिट लेनी है। सो 84 इंटू 4, 4 4 16, 4 8 32 और 1 33। नाउ अब हम 85 इंटू 5 करके देखते हैं, सो 5 5 25, 5 8 40 42। ये तो ज़्यादा आ जाएगी, मतलब हमें कौन सा नंबर लेना है, ये वाला। सो यहाँ पे आप 4 पुट कर दीजिए और ऊपर भी 4, 84 इंटू 4 आ जाएगा 3 3 6। अब आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, सो 9 में से 6 जाएंगे बचेंगे 3, 8 में से 3 जाएगा बचेगा 5, और 3 में से 3 जाएगा बचेगा 0। तो हमारी जो रिमाइंडर है वो कितना आया, 53 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। देयरफॉर 1989 में से अगर हम 53 को डिडक्ट कर दें तो जो हमारा आंसर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो 1989 में से अगर हम 53 को माइनस करते हैं तो हमारा जो आएगा वो आएगा 1936। नाउ अब हम देख लेते हैं 1936 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। 1936, सबसे पहले हमें क्या करना है, बार पुट करने हैं। सो यहाँ पे क्या नंबर आया, 19, और हमें कैसा स्क्वायर लेना है जो 19 से कम हो। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो हम किसका स्क्वायर लेंगे, 4 का। सो यहाँ पे भी 4 पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी 4, 4 4 जा कितना होता है 16, 19 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे 3। सेकेंड वाला पेयर को हम नीचे उतार लेते हैं, दैट इज 36, और 4 में 4 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। सो 4 और 4 कितना होगा, 8। अब इसकी लास्ट डिजिट देख लीजिए, लास्ट डिजिट क्या है, 6। 6 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आती है, 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है और एक 6 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है। सो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, 4। सो 84 इंटू 4, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 और 1 33। सो हमें क्या नंबर चाहिए था, 336, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 4, और यहाँ पे भी 4, 84 इंटू 4 आ जाएगा 336, और 336 में से 336 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 0। हेंस हमारा 1936 का स्क्वायर रूट आएगा 44। नाउ कमिंग टू पार्ट 3, पार्ट 3 है हमारा 3 2 5 0। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, बार को पुट करना है। हमारा फर्स्ट पेयर क्या है, 32, हमें ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है जो 32 से कम हो या 32 के इक्वल हो। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 तो हमारा बड़ा हो जाएगा 32 से, सो हम इसको नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, 5 का स्क्वायर। सो हम यहाँ पे भी 5 पुट कर देते हैं और यहाँ पे भी 5, 5 5 जा होता है 25, सो 12 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे
सेवन, और टू में से टू जाएंगे तो बचेंगे जीरो. नाउ अब हम नेक्स्ट वाले पेयर को नीचे ले आते हैं, दैट इज 50. और लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या करना है, फाइव में फाइव को ऐड करना है. सो फाइव और फाइव कितने हो जाएंगे, टेन. नाउ आप इसकी लास्ट डिजिट देखिए, जीरो. और जीरो किसके लास्ट में आता है, जीरो के. सो अगर हम 100 × 0 करेंगे तो हमारा आंसर जीरो ही आएगा. सो अब हमें करके देखने पड़ेंगे. जैसे कि मैंने करा 105 × 5, सो 5 × 5 जा क्या होगा, 25. और 5 × 1 = 5, ये तो इससे बहुत कम है. देन 106 × 6, 6 × 6 = 36, 6 × 1 = 6. देन 107 × 7, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7. देन 108 × 8, 8 × 8 = 64, 8 × 1 = 8. देखिए 864 तो बड़ा हो जाएगा, सो हम इसको नहीं लेंगे, हमें क्या लेना पड़ेगा, 7. सो आप यहाँ पे क्या पुट करिए, 7, और यहाँ पे भी 7. 107 × 7 क्या आ जाएगा, 749. नाउ अब आपको इसमें से इसको क्या करना है, डिडक्ट. 10 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 1, 4 में से 4 जाएंगे 0, 7 में से 7 जाएंगे तो 0. सो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 1. और अगर हम नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर दें, हमारा नंबर था 3250, अगर हम इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो हमारा नंबर आएगा वो होगा परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 3249. अब हमें 3249 का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, बार पुट्स करने हैं. नाउ हमारा फर्स्ट पेयर है 32, तो हमें ऐसा स्क्वायर देखना है जो 32 से कम हो या 32 के इक्वल हो. सो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36. तो 36 तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम किसका स्क्वायर लेंगे, 5 का. सो 5 × 5 जा कितना होता है, 25. नाउ 32 में से हमें 25 को क्या करना है, डिडक्ट करना है. सो 12 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 7, और 2 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 0. अब हम सेकंड पेयर को नीचे ले आते हैं, दैट इज 49. और लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, 5 में 5 को ऐड करना है. सो 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10. नाउ अब आप इसकी लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट क्या है हमारी, 9. और 9 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है, एक तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और एक 7 का स्क्वायर होता है 49. सो सबसे पहले हम 3 पुट करके देखते हैं. सो 103 × 3, 3 × 3 = 9, 0 का 0, 3 × 1 = 3. नाउ 107 × 7, 7 × 7 = 49, और 7 × 1 = 7. सो हमें क्या चाहिए, 749. तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 7. सो 107 × 7 हो जाएगा 749. और 749 में से 749 को डिडक्ट कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 0. सो 3249 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 57. कमिंग टू पार्ट 4, दैट इज 4000. सो सबसे पहले हम 4000 का क्या निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट. फर्स्ट हमें क्या करना है, बार्स पुट करने हैं. सो हमारा फर्स्ट पेयर क्या है, 40. हमें ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है जो 40 से कम आए या 40 के इक्वल आए. तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और 7 का स्क्वायर होता है 49. सो 49 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे. हम किसको लेंगे, 6 के स्क्वायर को. सो 6 6, और यहाँ पे आ जाएगा 36. नाउ 40 में से हमें 36 को क्या करना है, डिडक्ट करना है. 10 में से 6 जाएंगे बचेंगे 4, और 3 में से 3 जाएंगे बचेंगे 0. सेकंड वाले पेयर को हम नीचे ले आते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे 6 में 6 को क्या करना है, ऐड करना है. सो 6 और 6 क्या हो जाएंगे, 12.
नाउ अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जो 400 से कम आए या 400 ही आए. सो अगर हम 121 इंटू 121 करेंगे तो हमारा 121 ही आएगा. सो हम 122 इंटू 2 करके देखते हैं. सो 2 2 4, 2 2 4 और 2 1 2. नाउ 123 इंटू 3 करते हैं. सो 3 3 9, 3 2 6 एंड 3 1 3 एंड 124 इंटू 4. सो 4 4 16, 4 2 8 19, 4 1 4. सो 496 तो 400 से बड़ा हो जाएगा इसलिए हमें इसे नहीं लेना, हमें क्या लेना है 3. सो यहाँ पे आप 3 पुट करिए, यहाँ पे भी 3. सो 123 इंटू 3 हो जाएगा 369. नाउ 400 में से 369 को आप डिडक्ट कर दीजिए. 10 में से 9 जाएंगे बचेंगे 1, और 9 में से 6 जाएंगे बचेंगे 3, और 3 में से 3 जाएंगे बचेंगे 0. सो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 31. अगर हम रिमाइंडर को नंबर में से डिडक्ट कर दें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा. सो 4000 में से हम 31 को क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं. 4000 में से 31 को डिडक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 3969. नाउ अब हम 39 और 69 का परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, बार पुट कर देंगे. नाउ हमारा फर्स्ट पेयर क्या है, 39. तो हमें ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है जो 39 से कम हो या 39 के इक्वल हो. 6 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 36, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 49. सो 49 बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इसको ना लेके 6 को लेंगे. सो यहाँ पे भी आप 6 लिख दीजिए, यहाँ पे भी 6 6 आ जाएगा 36. नाउ 39 में से 36 को माइनस करिए, बचेगा 3, और 69 को नीचे ले आइए, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको 6 में 6 को ऐड करना है. सो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12. नाउ आप इसकी लास्ट डिजिट देख लीजिए, लास्ट डिजिट क्या है, 9. और 9 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आती है, एक तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और एक 7 का स्क्वायर होता है 49. सो सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, 3. सो 123 इंटू 3, 3 3 9, 3 2 6 एंड 3 1 3. हमें क्या चाहिए था, 369 ही चाहिए था. सो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3, और यहाँ पे भी 3. सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 369, और 369 में से 369 को डिडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0. सो 3969 का रूट हो जाएगा 63. कमिंग टू पार्ट 4, दैट इज 825. सबसे पहले हमें बार पुट करने हैं. जो हमारा फर्स्ट पेयर है वो है 8. हमें ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है जो 8 से कम हो या 8 के इक्वल हो. सो अगर हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो आता है 4, और 3 का स्क्वायर लेते हैं तो आता है 9. सो 9 तो हमारा 8 से बड़ा हो जाएगा इसलिए हमें 2 का स्क्वायर लेना है. सो यहाँ पे भी आप 2 पुट कर दीजिए, और यहाँ पे भी 2, 2 2 4. सो 8 में से 4 को डिडक्ट कर दीजिए, 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4. सेकेंड वाले पेयर को आप नीचे ले आइए, दैट इज 25, और लेफ्ट हैंड साइड में आप 2 में 2 को ऐड कर दीजिए. सो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4. नाउ आपको यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रखना है जो 425 के इक्वल हो या 425 से कम हो. सो 5 किसके लास्ट में आता है, 5 के लास्ट में ही आता है. सो हम 45 इंटू 5 करके देखते हैं. 5 5 25, 5 4 20, और 2 225, ये तो बहुत कम हो जाएगा. देन 46 इंटू 6 कर लेते हैं. सो 6 6 36, 6 4 24, 24 3, 27, ये भी छोटा है.
सो 47 इंटू 7 कर लेते हैं, 7 7 49, 7 4 28, 28 और 4 32, ये भी छोटा है, सो 48 इंटू 8 कर लेते हैं, 8 8 64, 8 4 32, 32 और 6 कितना होगा, 38, ये भी छोटा है। अब हम 49 इंटू 9 कर लेते हैं, सो 9 9 कितना होगा, 81, और 9 4 36, 36 और 8 कितने होंगे, 44, सो ये तो बड़ा हो जाएगा इसलिए हमें इसको नहीं लिखना है, हम क्या लेंगे, 8, सो यहाँ पे आप 8 पुट कर लीजिए और यहाँ पे भी 8, 48 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 384। अब हम इसको इसमें से डिडक्ट कर लेते हैं, 5 में से 4 जाएगा 1, 12 में से 8 जाएंगे 4, और 3 में से 3 जाएगा तो 0, सो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 41। अगर हम 825 में से रिमाइंडर को माइनस कर दें जो है हमारा 41, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, और 825 में से 41 को डिडक्ट कर देंगे तो हमारा आएगा 784। नाउ अब हमें 784 का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, बार पुट करने हैं। सो अब हमें यहाँ पे ऐसा स्क्वायर लेना है जो 7 से कम हो या 7 के इक्वल हो। सो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9। सो 9 तो हम लेंगे नहीं, हमें क्या लेना है, 4। यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, यहाँ पे भी 2 2 2 4, 7 में से 4 को डिडक्ट कर दीजिए तो आ जाएगा 3, और सेकेंड पेयर को नीचे ले आइए, दैट इज 84, और लेफ्ट हैंड साइड में 2 के साथ 2 को ऐड कर दीजिए, सो 2 और 2 कितना आ जाएगा, 4। नाउ इसकी लास्ट डिजिट देख लीजिए, लास्ट डिजिट क्या है, 4, और 4 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है, एक तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और एक 8 का स्क्वायर होता है 64। नाउ सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, सो 42 इंटू 2, 2 2 4, 2 4 8। अब हम 8 पुट करके देख लेते हैं, 48 इंटू 8, 8 8 64, 8 4 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38। सो हमें क्या चाहिए था, 384, तो हमें क्या पुट करना है, 8। सो आप यहाँ पे 8 पुट कर दीजिए, यहाँ पे भी 8, और 48 इंटू 8 आ जाएगा 384, 384 में से 384 को डिडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0। सो हमारा 784 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 28।